नमस्कार दोस्तों, कृष्णायस्मी आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही खुशी की बात है कि दिल्ली में ऑफलाइन क्लास अब स्टार्ट हो गया है। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने के साथ ही अब हम लोग एंथ्रोपोलॉजी जो ऑप्शनल पेपर है उसकी ऑफलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लास से कि आज जो शुरुआत हम लोगों ने की है, तो सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे कि एक तो कि यूपीएससी 2022 के लिए जो लोग एंथ्रोपोलॉजी विषय का सिलेक्शन कर लिए हैं और जो अभी सोच रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी हमें विषय रखनी है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो आज की ये पूरी परिचर्चा इसी पर है कि एंथ्रोपोलॉजी अगर आपने रख ली है तो फिर एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी कैसे करेंगे, हाउ टू अप्रोच एंथ्रोपोलॉजी। दूसरा कि जिन लोगों ने अभी तक एंथ्रोपोलॉजी को अपना ऑप्शनल पेपर नहीं रखा है और उनके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट है एंथ्रोपोलॉजी को लेकर के, तो उस डाउट को भी आज के इस सेशन में हम दूर करने का प्रयास करेंगे, राइट? तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी कोई विषय पढ़ने जाते हैं, किसी विषय का अध्ययन करने जाते हैं, तो सबसे पहले एक सवाल होता है। और आम तौर पर कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे कॉल भी करते हैं और बातचीत के क्रम में ये पूछने का प्रयास करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, कैसा विषय है एंथ्रोपोलॉजी। एक और बार बार ये सवाल आती है कि एंथ्रोपोलॉजी इंग्लिश मीडियम में तो काफ़ी बच्चे रख रहे हैं और परीक्षा पास भी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी कैसे किया जा सकता है। पहले के भी जो सेशन है उसमें हमने हिंदी मीडियम के छात्रों को एड्रेस करने का प्रयास किया है और मैंने समझाने का प्रयास भी किया है। और कई वर्षों से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी का अध्यापन यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस के लिए भी मैं कर रहा हूँ। तो एक जो आम तौर पर आपके मन में सवाल उत्पन्न होता है कि एंथ्रोपोलॉजी और हिंदी मीडियम, अब ये एक ऐसा भ्रम है हिंदी मीडियम के छात्रों का कि वो बार बार इससे बातें पर बल देते हैं कि इंग्लिश मीडियम में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा, हिंदी मीडियम में इसकी क्या स्थिति है। तो यूपीएससी 2021 के जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट में ऑप्शनल पेपर में इंग्लिश मीडियम में भी हाईएस्ट मार्क एंथ्रोपोलॉजी में ही आया है और हिंदी मीडियम में भी हाईएस्ट मार्क्स मेरे स्टूडेंट प्रकाश कुमार चौधरी को हिंदी मीडियम में भी हिंदी मीडियम के सभी ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स मिला है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप हिंदी मीडियम रखते हैं और हिंदी मीडियम रख करके एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने जाते हैं या इंग्लिश मीडियम रख के एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने जाते हैं, तो क्या हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं जो एंथ्रोपोलॉजी विषय रखते हैं उन्हें कोई दिक्कत होती है? तो मेरे कई स्टूडेंट हिंदी मीडियम रख के भी क्वालिफाई किए हैं और इंग्लिश मीडियम रख के भी क्वालिफाई किए हैं। आम तौर पर मैं जो इंग्लिश मीडियम के छात्रों को डिक्टेट कराता हूँ वही हिंदी मीडियम के छात्रों को भी डिक्टेट कराता हूँ। ये जो कन्फ्यूजन है कि हिंदी मीडियम में कोई भी विषय एंथ्रोपोलॉजी क्या कोई भी विषय के बारे में अगर कोई टीचर या कोई ऐसा सलाह देता है कि यह विषय हिंदी में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा और अंग्रेजी में ऐसा अच्छा परफॉर्म कर रहा, अगर कोई भी सलाह इस तरह का देता है कि एक पार्टिकुलर विषय हिंदी मीडियम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और अंग्रेजी मीडियम में अच्छा परफॉर्म कर रहा, तो दरअसल वह व्यक्ति छात्रों को एक तरह से बरगलाने का काम करता है
क्योंकि अगर आप देखो कि मीडियम हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन है, हम मीडियम के माध्यम से अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर कंटेंट अगर आप सही देते हैं तो मीडियम बाधक नहीं होता है। आम तौर पर हिंदी मीडियम में जो रिजल्ट है, चूँकि पीटी ही बच्चे कम क्वालिफाई करते हैं, और कई ऐसे मतलब संस्थान है जो हजारों की संख्या में हिंदी मीडियम के छात्रों को पढ़ाता है और वो बच्चे पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि मेंस के ऑप्शनल विषय को लेकर के और तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं, करेक्ट। तो पहला तो इस भ्रम से आपको दूर अपने आप को करना है। एनीवे, आपके जो भ्रम हैं उसको बाहर निकले भ्रम से, और हम लोग कंसंट्रेट करें कि एंथ्रोपोलॉजी अगर आपने रखा है, तो अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी सेलेक्ट कर लिया है या आप सोच रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी सेलेक्ट करने का, तो फिर अगर आपके मन में कोई संशय है तो मैं छात्रों से जो विचार विमर्श मैंने किया उसी के आधार पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेकर मैं आज इस डिस्कशन में आपकी कुछ समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला, जब किसी विषय का अध्ययन आप करने जाएंगे तो थोड़ा सा तो आपको इस विषय के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी को हिंदी में मानव विज्ञान कहते हैं, ये मानव विज्ञान क्या है, राइट। क्या है मानव विज्ञान? बहुत सिंपल, बहुत साधारण तरीकों से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो मानव विज्ञान मनुष्य का अध्ययन है। ध्यान ये रखना है कि एंथ्रोपोलॉजी की बात जो कर रहे हैं यह मनुष्य का अध्ययन है। ये मुख्य रूप से मनुष्य के अध्ययन पर ही कंसंट्रेट है और इसीलिए इसे मानव विज्ञान कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि दूसरे विषय भी तो समान तौर पर मनुष्य का ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास भी मनुष्य का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र भी मनुष्य का अध्ययन करता है, फिलॉसफी भी मनुष्य का अध्ययन करता है, साइकोलॉजी भी मनुष्य का अध्ययन करता है, इकोनॉमिक्स भी मनुष्य का अध्ययन करता है, पॉलिटिकल साइंस भी मनुष्य का अध्ययन करता है। अगर ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ह्यूमन बायोलॉजी भी मनुष्य का अध्ययन करता है। तो ये जितनी विषय हैं ये भी मनुष्य का अध्ययन करते हैं और इतिहास भी मनुष्य का अध्ययन करता है। तो दोनों में फिर डिफरेंसेस क्या है? तो एक शब्द यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा कि मानव विज्ञान मनुष्य का समग्रता में अध्ययन करता है, मनुष्य का समग्रता में अध्ययन करता है, होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड इसे कहा जाता है, इसे समग्र विज्ञान भी कहा जाता है, इसे होलिस्टिक साइंस भी कहा जाता है। तो मानव विज्ञान मनुष्य का समग्रता में अध्ययन करता है, जबकि अन्य विषय जिसकी चर्चा हमने की वे मनुष्य के किसी एक विशेष पर्टिकुलर एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं। और इस तरह से आप देखोगे तो आप देखोगे कि मानव विज्ञान अन्य विषयों से डिफरेंट है, क्योंकि मनुष्य का अध्ययन अलग अलग विषय भी करते हैं, लेकिन मनुष्य का अध्ययन अलग अलग विषय मनुष्य के किसी एक पक्ष का अध्ययन करते हैं, मानव विज्ञान मनुष्य के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। अब इससे एक समस्या आपके मन में आती आएगी अब इससे आपके मन में एक समस्या आएगी कि अगर यह विषय मनुष्य के सभी पक्षों का अध्ययन करता है तो फिर ये विषय तो बहुत व्यापक होगा, बहुत जटिल होगा। कैसे यह संभव है कि एक ही विषय के अंतर्गत मनुष्य के सारे पक्ष, यानी मनुष्य के सांस्कृतिक उद्विकास,
सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, मनुष्य के जैविक उद्विकास का अध्ययन, मनुष्य के सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन, मनुष्य के जैविक विभिन्नता का अध्ययन, मनुष्य के पारिस्थितिकी के साथ संबंध, मनुष्य के पर्यावरण के साथ संबंध, मनुष्य के सामाजिक, मनुष्य के आर्थिक, मनुष्य के राजनीतिक, मनुष्य के धार्मिक, मनुष्य के साइकोलॉजिकल यानी कि मनुष्य के मनोवैज्ञानिक, मनुष्य के पोषण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन, मानव शिशु के विकास एवं समृद्धि का अध्ययन, मनुष्य के खेल की गतिविधियों का अध्ययन, मनुष्य के संगीत, नृत्य, डांस इत्यादि का अध्ययन। तो ये कैसे संभव है कि एक ही विषय में हम मनुष्य के इन सारे पक्षों का अध्ययन कर सकते हैं? ये एक जनरल सवाल है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में हम मनुष्य के सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। अगर आप यूपीएससी के सिलेबस का अगर अध्ययन करें, केवल सिलेबस का अध्ययन करें, क्योंकि अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने सिलेबस पर कमांड डेवलप कीजिए, कमांड कीजिए अपने सिलेबस पर। और सिलेबस पर कमांड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सिलेबस को देखना पड़ेगा। और सिलेबस को जब आप किसी विषय के पाठ्यक्रम को आप देखते हो, बहुत ध्यान से देखते हो, तो जब मानव विज्ञान के पाठ्यक्रम को आप देखोगे तो मानव विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसमें 3-4 टॉपिक तो मानव विज्ञान के इंट्रोडक्शन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आप यह जानेंगे कि मानव विज्ञान क्या है, इसके स्कोप क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, ये समकालीन समाज के लिए कैसे प्रासंगिक है, यह अन्य विषयों से इसका क्या संबंध है। जैसे कि हमने अभी चर्चा किया कि मानव विज्ञान समग्रता में मनुष्य का अध्ययन करता है, तो मानव विज्ञान के अंतर्गत भी हम मानव के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं और इतिहास में भी मानव के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं। तो अगर मानव शास्त्र में मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं और इतिहास में मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं, तो दोनों में ही हम इन बातों का अध्ययन करते हैं, तो मानव विज्ञान उससे डिफरेंट कैसे हुआ? अब देखो, इतिहास के अंतर्गत जब सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं तो हम इतिहास में कंटिन्यूटी एंड चेंजिंग पर्सपेक्टिव में मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं। मानव विज्ञान में मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का जो अध्ययन करते हैं उसमें हम समग्रता के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं, हम जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं। तो हमारा जो अप्रोच है वह अन्य विषयों से डिफरेंट है। जैसा कि हमने कहा कि जब एक ही विषय में मनुष्य के सारे पक्षों का अध्ययन करेंगे तो ये कैसे संभव है? ये संभव है, संभव इस रूप में है कि जब एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस को देखोगे तो जितने भी टॉपिक हैं, एक तो इंट्रोडक्टरी टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन टाइप से है, और दूसरा उसके बाद का जो टॉपिक है जिसमें फर्स्ट पेपर एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम मनुष्य के जैविक उद्विकास का अध्ययन करते हैं, तो मनुष्य के जैविक उद्विकास से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक इंट्रोडक्टरी रूप में ही आपको दिखाई देंगे। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पुरातात्विक मानव विज्ञान से संबंधित 1 टॉपिक है, वो भी इंट्रोडक्टरी टाइप का है। इसके बाद सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आप देखेंगे कि हमें पढ़ना है मैरिज, फैमिली, किनशिप। जब आप सोशियोलॉजी में मैरिज, फैमिली एंड किनशिप पढ़ेंगे तो उसकी विषय वस्तु बहुत जटिल हो जाते हैं, क्योंकि वह मॉडर्न सोसाइटी के अध्ययन पर केंद्रित होता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हमारा मेन फोकस प्रिमिटिव सोसाइटी होता है, हालांकि हम मॉडर्न सोसाइटी का अध्ययन भी करते हैं, तो हमारा जो विषय वस्तु होता है, चूंकि हम सरल समाज का अध्ययन करते हैं, हमारे विषय वस्तु भी सरल होते हैं, और
हमारा जो अध्ययन जो है वो केस स्टडी बेस्ड होता है, तो इस कारण से हम एक तो हमारा विषय वस्तु बहुत लिमिटेड होता है, उसी चीज को व्यापक रूप में समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जहां पर अलग अलग सोसाइटी में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका अध्ययन किया जाता है उसमें, और एंथ्रोपोलॉजी में सिंप्लिसिटी का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत एक ही टॉपिक है हमारे पास, जिसमें हम एक तो कुछ सैद्धांतिक अवधारणा है मानव विज्ञान के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत फॉर्मलिस्ट एंड सब्टेंटिविस्ट अप्रोच का अध्ययन करते हैं, इसके बाद मोड ऑफ प्रोडक्शन और मोड ऑफ कंजप्शन, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिजिनस इकोनॉमिक सिस्टम, इतने ही टॉपिक हमारे पास है। चूंकि हमारे विषय वस्तु में इसी चीज को जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल हो जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी के जो सिलेबस को आप देखेंगे तो एक तो सिलेबस बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट है, बहुत साइंटिफिक है और पूरी तरह से एक्सप्लेन है। तो ऐसा नहीं है कि एंथ्रोपोलॉजी अगर होलिस्टिक स्टडी करता है मनुष्य का तो डेप्थ स्टडी सबका करते जाता है, सारे एस्पेक्ट का डेप्थ स्टडी करता है। अगर एक ही विषय सारे एस्पेक्ट का डेप्थ स्टडी करेगा तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। हम सिंपली अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य के जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो किस तरह से एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं और किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। इसलिए ये जो आपके मन में सवाल उठेगा कि अगर एंथ्रोपोलॉजी में सारे एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं तो कैसे यह संभव है, यह संभव है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में जो भी टॉपिक आपका है एक तो इंट्रोडक्टरी रूप में है, तीसरा एंथ्रोपोलॉजी जब पढ़ने जाएंगे तो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच क्या होगा, हम कैसे पढ़ेंगे सारे सब्जेक्ट मैटर को, सारे टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि पहला हमारा कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है। एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच जो सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं वही कंपटीशन में भी हम उस अप्रोच को फॉलो करते हैं। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा अप्रोच है होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन समग्रता में करेंगे। समग्रता में करने का मतलब क्या है कि अगर आप मानव के उद्विकास का अध्ययन करें या मानव समाज का अध्ययन करें, तो मानव जो समाज है अगर सोसाइटी का स्टडी करेंगे तो सोसाइटी में जो सोशल रिलेशनशिप है ये समाज के अध्ययन का मेन विषय वस्तु होता है। लेकिन सोशल रिलेशनशिप जो है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, रिलीजियस रिलेशनशिप, बायोलॉजिकल जो रिलेशनशिप है उससे इन्फ्लुएंस होता है, साइकोलॉजिकल जो रिलेशनशिप है, बिहेवियरल जो रिलेशनशिप है उससे वो प्रभावित होता है और उसको प्रभावित करता है। तो हम किसी पार्ट का अध्ययन होल के साथ करेंगे, यानी मनुष्य के सारे एस्पेक्ट के साथ उसको इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, तभी हम मानव विज्ञान के अप्रोच के अनुरूप उस विषय वस्तु को समझ पाते हैं। क्योंकि अगर सांस्कृतिक विविधता आप पढ़ेंगे तो सांस्कृतिक विविधता के अध्ययन के लिए हम इकोलॉजी को भी पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य ने जिस प्रकार से संस्कृति का निर्माण किया, तो संस्कृति का निर्माण का मतलब क्या है कि हमने प्राकृतिक संसाधनों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और उसे वस्तु के रूप में ढाला अपने उपयोग के लिए और वो हमारी संस्कृति हुई, या अपने प्राकृतिक पर्यावरण से समायोजन करने के लिए हमने कुछ धर्म प्रथा परंपरा का विकास किया और उसके माध्यम से हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो अगर आप किसी भी समाज का अध्ययन करेंगे, किसी भी संस्कृति का अध्ययन करेंगे, तो उसके इकोलॉजी, उसके इन्वायरमेंट, उसके ज्योग्राफी,
उसके प्राकृतिक संसाधन, उसकी इकोनॉमिक व्यवस्था, उसकी पॉलिटिकल व्यवस्था, वहाँ जिस तरह से डेवलप हो रहा है रिलीजन, वहाँ फूड बिहेवियर और वहाँ बायोलॉजिकल जो उनके फीचर है उसके साथ उसके सोशल रिलेशंस को देखते हैं। इसका मतलब है कि सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है और इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी को होलिस्टिक साइंस कहा जाता है। इसी प्रकार हम लोग बायोकल्चरल अप्रोच को फॉलो करते हैं। बायोकल्चरल अप्रोच का मतलब क्या है कि मनुष्य एनिमल किंगडम में, जीव जगत में जैव सांस्कृतिक प्राणी है और एक जैव सांस्कृतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के अध्ययन में हम बायोलॉजिकल इसके पक्ष जो है, इसके जो जैविक पक्ष है और इसके जो सांस्कृतिक पक्ष है, दोनों के बीच के अंतः संबंध का अध्ययन करते हैं, तभी जा कर के मनुष्य को समग्रता में हम समझ पाते हैं। अदरवाइज हम मनुष्य को समग्रता में नहीं समझ सकते हैं। और अगर आप मनुष्य को समग्रता में नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी नहीं है। इसके साथ ही हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, हम लोग फील्ड वर्क मेथड को फॉलो करते हैं, हम लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को फॉलो करते हैं, हम लोग सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा के माध्यम से संस्कृति का अध्ययन करते हैं, हम ऐतिहासिक पद्धति का भी उपयोग करते हैं, तुलनात्मक पद्धति का उपयोग भी करते हैं और इमिक एंड एटिक दृष्टिकोण का भी अनुसरण करते हैं। तो ये हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है, जिस अप्रोच का अनुसरण कर हम अपने विषय वस्तु को पढ़ें। एक चीज ध्यान रखना है कि मानव विज्ञान जो है यह अन्य विषयों से गहन रूप से अंतर संबंधित है और जब यूपीएससी की तैयारी आप करते हैं तो टॉपिक नंबर 1.2 जो है आपका, उस टॉपिक नंबर 1.2 के अंतर्गत हम लोग रिलेशनशिप विथ अदर डिसिप्लिन पढ़ते हैं, यानी मानव विज्ञान का अन्य विषयों के साथ किस प्रकार का संबंध है। उस संबंध के अंतर्गत हम लोग यह भी देखने का प्रयास करते हैं कि मानव विज्ञान किस प्रकार से दूसरे विषयों के साथ अंतर संबंधित है और किस प्रकार से डिफरेंट भी है, डिफरेंट है, ये यूनिक है। और इसके बाद जब इन सारी चीजों को आप समझ लेते हैं, इसके विषय वस्तु को समझ लेते हैं, इसके सिलेबस को समझ लेते हैं, तो आप सिलेबस देखोगे तो एक तरह से इंट्रोडक्टरी है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकांश क्वेश्चन सिलेबस से डायरेक्टली पूछा जाता है। इसलिए आमतौर पर जो छात्र चेतन हैं, चेतनशील हैं, जिन्हें जानकारी है कि यूपीएससी में ट्रेंड क्या चल रहा है, वो लोग एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्ट कर रहे हैं। और ज़्यादातर ऐसे छात्र भी हैं जो कि अपने विषय को परिवर्तित करके एंथ्रोपोलॉजी को रख रहे हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों की समझ आती है तो आप एंथ्रोपोलॉजी के को आप ऑप्शनल विषय के रूप में चयनित कर सकते हैं। अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्शनल विषय के रूप में चयनित कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, तो फिर आपके पास ये मुद्दा आता है कि हम एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी कैसे करें, राइट? क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र, लेकिन अब कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को चयनित करते हैं और चयनित करने के पीछे लॉजिक ध्यान में ये रखिए कि इसमें मार्क्स सबसे बेहतर आ रहा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, मार्क्स के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर है, सफलता दर इसमें सबसे बेहतर है, और थर्ड कि इसका जो विषय वस्तु है उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, जिस विषय में ऑब्जेक्टिविटी होगी उसमें मार्क्स बेहतर मिलते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है, आप इजिली इसको अंडरस्टैंड कर लाएंगे, आप समझ जाएंगे, और अब इसके लिए हिंदी मीडियम में भी सामग्री उपलब्ध है। तो अगर कोई विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम से अध्ययन कर रहे हैं और आपने एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्शनल विषय के रूप में चयनित किया है, तो
सबसे पहले ऑप्शनल विषय के रूप में अगर आपने चयनित कर लिया तो आपके पास से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए आपको, तो सबसे पहले तो आप पाठ्यक्रम को देखिए और पाठ्यक्रम पर आपको 2-3 दिन समय देना पड़ेगा। ध्यान से इस तरह से पाठ्यक्रम को देखना है कि आप पाठ्यक्रम में क्या क्या मेंशन है इसकी जानकारी आपके जबान पर रहे, क्योंकि बिना सिलेबस के, बिना विषय वस्तु के अंडरस्टैंडिंग के अगर आप पढ़ेंगे तो भी आउटपुट नहीं आएगा। दूसरा कि आप एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक, और उस क्वेश्चन बैंक से फिर टॉपिक वाइज, ध्यान ये रखना है कि टॉपिक वाइज आपको सिलेबस को देखना है और फिर क्वेश्चन बैंक देखना है। तीसरा कि आपके पास अध्ययन सामग्री होना चाहिए, राइट, अध्ययन सामग्री। अब देखिए एक चीज से ईमानदारी पूर्वक स्वीकार करने की जरूरत है कि हिंदी माध्यम में जो अध्ययन सामग्री एंथ्रोपोलॉजी के लिए है, बुक के रूप में, पुस्तक की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो कुछ पुस्तकें कम है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी के ज़्यादातर स्टैंडर्ड बुक जो है वो फॉरेन राइटर के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन जो लोग मेरे साथ जोड़ करके काम करते हैं उन्हें मैं पूरी तरह से पूरे सिलेबस का नोट्स प्रिपेयर कराता हूँ क्लास में। ध्यान रखना है कि A to Z सिलेबस का नोट्स क्लास में मेरे द्वारा डिक्टेट कराया जाता है और मैं क्लास में ही आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूँ। एक मेरी भी हिंदी मीडियम में बुक है जिसमें हालांकि पूरा सिलेबस नहीं है लेकिन जो टॉपिक उसमें मैंने लिखा है वो बड़ा ही सॉलिड है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंबर एंड अंबर जो एक पॉपुलर बुक है, ये इंग्लिश मीडियम में तो आज भी उपलब्ध है, हिंदी मीडियम में वो अब उपलब्ध नहीं है, वो बुक भी मेरे पास है। तो जो छात्र हमारे एक क्लास से के साथ जुड़े रहते हैं और वो चाहते हैं पढ़ें तो एक तो उसका भी इस्तेमाल वो करते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान है उसमें कुछ अच्छी बुक भी आई है और उपलब्ध है, इंडियन राइटर के द्वारा भी लिखा हुआ, हिंदी में भी उपलब्ध है। जैसे एक नदीम हसनैन ने बुक लिखी है हाल के दिनों में सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान पर, वो बड़ी अच्छी बुक है। मदान मजुमदार की जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव विज्ञान का परिचय, वो भी एक बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हिंदी माध्यम में आप संध्या मिश्र और महेश मिश्र की किताब है उसको आप पढ़ सकते हैं, और सुधा एवं रस्तोगी की जो पुस्तक है हिंदी माध्यम में वो 2 किताब है, मानव का उद्भव और मानव अनुवंश की, वह किताब हमारे होल सिलेबस को कवर करता है, 1 चैप्टर मात्र उसमें एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो महामारी का मानव विज्ञान है वो नहीं है, बाकी सारा चीज़ है। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में हिंदी माध्यम में बहुत ही अच्छे अच्छे बुक हैं जिसमें आप लोग आमतौर पर जानते हैं नदीम हसनैन की बुक जो भारतीय मानव विज्ञान है और साथ ही साथ जनजातीय भारत और समकालीन भारतीय समाज, 3 इम्पॉर्टेंट किताब जो बाजार में उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई पुस्तकें हैं हिंदी माध्यम में, जैसे हिंदी माध्यम में जनजातीय विकास के 5 दशक, ये किताब है ARN श्रीवास्तव द्वारा लिखित, ये बड़ी अच्छी किताब है, पतली सी किताब है, उसमें बहुत अच्छे ढंग से जनजातीय विकास से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे उसमें दिए गए हैं। ARN श्रीवास्तव का भारतीय मानव विज्ञान भी है। तो हिंदी माध्यम में अब ऐसा बात नहीं है कि आपके पास पुस्तक नहीं है, पुस्तक आपके पास उपलब्ध है, अगर आप सक्षम हैं कि सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी के साथ
तैयारी कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में उपलब्ध हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेरे गाइडेंस में एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी करें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में हम ऑफलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं, तो जो लोग दिल्ली आ सकते हैं वो ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं और जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते हैं वे हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं और जुड़ करके एंथ्रोपोलॉजी का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं और आप हिंदी माध्यम में भी अच्छे अंक ला करके क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। तो जिन लोगों को भी किसी प्रकार की समस्या हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और फिर एंथ्रोपोलॉजी को रख करके हिंदी माध्यम के सामने जो गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हुई है कि हिंदी माध्यम के छात्र यूपीएससी बहुत कम संख्या में क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप ऑप्शनल में मजबूत होकर के और एंथ्रोपोलॉजी को रख के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।